हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जिया स्टूडियो। आज के मेरे वीडियो से बात करने वाली इम्यूनिटी के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, कोरोना पैंडेमिक किस तरीके से पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है और इस वक्त सबकी ज़ुबान पर यही बात है कि जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है वो इससे इस वायरस से फाइट कर ले रहा है, जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं, वीक है, वो फाइट नहीं कर पा रहा है। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और ये देखते हैं कि ये इम्यूनिटी जो है हमारी बॉडी में किस तरीके से वर्क करती है, कैसे हमको प्रोटेक्ट करती है। चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे इंडियन इम्यूनिटी और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी के बारे में। तो इंडियन इम्यूनिटी क्या है? एक बेसिक इम्यूनिटी है, आप बोल सकते हो। इंडियन इम्यूनिटी क्या है? एक बेसिक इम्यूनिटी होती है और ये इम्यूनिटी हमको बाई बर्थ से मिलती है। मतलब कि जब हम पैदा होते हैं तो इम्यूनिटी हमारी बॉडी में रहती है, मौजूद रहती है। ये इम्यूनिटी हमको कैसे मिलती है? बाई बर्थ मिलती है। और ये इम्यूनिटी हमारी बॉडी हमारी बॉडी को बहुत से बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजेनिक एक्सेट्रा से ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं इंडियन इम्यूनिटी में, सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले इसमें हम स्किन के बारे में देखते हैं। तो स्किन क्या है हमारी? स्किन हमारी बहुत से पैथोजेंस एक्सेट्रा से प्रोटेक्ट करती है। इसके साथ साथ हम देखेंगे इंटरनल ऑर्गन के बारे में। तो जो हमारा, जैसे कि कोई पैथोजन होता है या वायरस होता है, ये हमारी बॉडी में जब कोई पैथोजन या वायरस हमारे बॉडी में इंटर करता है तो नाक से या फिर माउथ से इंटर करता है तो बॉडी में अंदर घुसने से उसको रोका जाता है। जैसे कोई भी पैथोजन हो गया या वायरस हो गया, उसको हमारे बॉडी के अंदर घुसने से रोका जाता है, ठीक है। और मान लीजिए वो पैथोजन या वायरस जो है हमारे बॉडी में इंटर कर जाता है तो हमें इन्फेक्शन हो जाता है। तो इस तरीके से इम्यूनिटी हमारी वर्क करती है। जैसे कि मैंने स्किन के बारे में बताया कि स्किन हमारी प्रोटेक्ट करती है बहुत से पैथोजन से, और इस तरह मैंने ये बताया इंटरनल ऑर्गन के बारे में कि कोई भी वायरस बैक्टीरिया है, पैथोजन है, तो हमारी बॉडी उसको पहले क्या करती है? बॉडी के अंदर इंटर करने से रोकती है। इसके बाद हम बात करेंगे इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो देखिए, जब भी कोई मॉस्किटो हमें बाइट करता है तो वहाँ पर रेडनेस हो जाती है। तो रेडनेस क्यों होती है? ये रेडनेस हमारी बॉडी खुद को सेफ रखने के लिए करती है। कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस है या पैथोजन है जो भी है, उससे हमारी बॉडी खुद को सेफ रखने के लिए इस रेडनेस को करती है। तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा। तो मतलब कि आप ऐसे भी आप जानते हैं कि जो मॉस्किटो होता है कितना डिजीज़ को ये स्प्रेड करता है। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी और स्पेसिफिक इम्यूनिटी के बारे में। तो मान लीजिए, ऐसे समझ लीजिए आप, जो इम्यूनिटी हमें बर्थ के बाद मिलती है, मान लीजिए ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए बर्थ के बाद अगर हमें कोई इन्फेक्शन हो गया है या हम वैक्सीनेशन कराने से बेबी होते हैं, जो बच्चे होते हैं उनका वैक्सीनेशन होता है, तो मान लीजिए हमें इन्फेक्शन हो गया है बर्थ के बाद या हम वैक्सीनेशन कराते हैं, तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम बाहर से कोई सब्सटेंस या वैक्सीन को अपने बॉडी में लेते हैं, जिससे हमारी बॉडी में उस स्पेसिफिक डिसीज़ के लिए बॉडी क्या होती है, उस स्पेसिफिक डिसीज़ के लिए इम्यूनाइज हो जाती है। तो इसको कहते हैं अक्वायर्ड इम्यूनिटी और स्पेसिफिक इम्यूनिटी। मतलब कि हम बर्थ के बाद मान लीजिए हमें इन्फेक्शन हो गया या फिर हमें वैक्सीनेशन करा लिया, तो हमने बाहर से किसी सब्सटेंस को या वैक्सीन को अपने बॉडी के अंदर लिया, तो उस बात क्या होता है कि उस स्पेसिफिक डिसीज़ के लिए बॉडी इम्यूनाइज हो जाती है। तो ये टू टाइप का है, इसमें सेलुलर इम्यूनिटी है एंड ह्यूमन इम्यूनिटी है। तो सबसे पहले बात करते हैं सेलुलर इम्यूनिटी के बारे में। तो जैसे कि आप समझ लीजिए कि कोई लोकल एरिया है, या कह सकते हैं कोई लोकल एरिया में कोई थीफ आ गया है, तो वहाँ की जो लोकल पुलिस होती है उस थीफ को क्या करती है? जाती है, पकड़ती है, उस क्रिमिनल को पकड़ती है, जेल में डाल देती है और फिर इस मामले को वो कंट्रोल कर लेती है। अब मान लीजिए सम केसेस, समझ लीजिए आप कि वो जो क्रिमिनल था वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, क्रिमिनल की टीम बड़ी है, बहुत ज़्यादा क्रिमिनल है, वहाँ की जो लोकल पुलिस है वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही, तो पुलिस क्या करती है? अपने पुलिस की टीम जो पुलिस की होती है उससे वो जाती है, मदद लेती है ना, कि मतलब कि मामला बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हेल्प कर दीजिए आप, तो मदद लेती है। उसी तरीके से हमारे बॉडी में होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई लोकल एरिया में थीफ आ जाता है तो वहाँ की लोकल पुलिस जो होती है उसको कंट्रोल कर लेती है। उसी तरीके से हमारी सेलुलर इम्यूनिटी काम करती है। मान लीजिए हमारी बॉडी में कोई वायरस आ गया, पैथोजन बैक्टीरिया आ गया है, तो सबसे पहले सेलुलर इम्यूनिटी जो होती है वो काम करती है और वो उस वायरस को, बैक्टीरिया को मारने की कोशिश करती है। और मान लीजिए वो वायरस और बैक्टीरिया जो भी है वो बहुत डेंजरस है,
सेरेब्रल इम्यूनिटी उसको मार नहीं पा रही है, उस कंडीशन में सेरेब्रल इम्यूनिटी जो होती है वो ह्यूमरल इम्यूनिटी से मदद मांगती है। तब क्या होता है, जो सेरेब्रल इम्यूनिटी क्या करती है, अपना काम ह्यूमरल इम्यूनिटी को दे देती है और दोनों आपस में मिलकर बैलेंस करके लड़ाई करते हैं, उस वायरस या बैक्टीरिया पैथोजन को मार देते हैं। तो सेरेब्रल इम्यूनिटी कब ह्यूमरल इम्यूनिटी की मदद लेती है, जब सेरेब्रल इम्यूनिटी से वो वायरस या पैथोजन बैक्टीरिया मर नहीं पाता है, ख़त्म नहीं हो पाता है, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। तो इतना भी आप जान लीजिए, जो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है वो ह्यूमरल इम्यूनिटी के अंदर होता है, और जब भी कोई पैथोजन या वायरस हमारे बॉडी के अंदर करता है तो उस पैथोजन के लिए, वो जो पैथोजन होता है उसके लिए हमारे बॉडी में एक मेमोरी फिट हो जाती है। जैसे पुलिस स्टेशन में जब कोई थीफ आता है उसको जेल में डाल देते हैं, फिर उसके बाद उस थीफ की जो भी आइडेंटिटी होती है उसको लिख कर डेटा फीड कर लिया जाता है कंप्यूटर में या फिर रजिस्टर वगैरह में फीड कर लिया जाता है, ताकि फिर कई सालों बाद अगर फिर वो थीफ आए तो हमें उस थीफ के बारे में बहुत ज़्यादा खोजबीन ना करना पड़े, हमें अपने डेटा से मालूम हो जाए वो थीफ वही है कि कोई दूसरा है। तो उसी तरीके से बॉडी में होता है, जब भी कोई पैथोजन आता है तो बॉडी के लिए एक मेमोरी फीड हो जाती है, एक मेमोरी फीड हो जाती है ताकि 2-3 साल बाद वो पैथोजन या वायरस हमारे बॉडी फिर से इंटर करे तो उस डेटा फीड जो हमने किया था, जो डेटा फीड हमने किया तो उस पैथोजन के लिए, उस डेटा फीड के अनुसार मेमोरी सेल बन जाती है और उस मेमोरी सेल से एंटीबॉडी बन जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी कोई पैथोजन या वायरस हमारे बॉडी में आता है तो उस वायरस के लिए, पैथोजन के लिए हमारे बॉडी में एक मेमोरी फीड हो जाती है, फिर 2-3 साल बाद हमारी वो चीज़ फिर हमारे बॉडी के अंदर इंटर करती है, तो जो मेमोरी सेल होती है वो जो डेटा फीड किया जाता है वो डेटा फीड के अनुसार मेमोरी सेल बन जाती है, और मेमोरी सेल क्या करती है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर देती है। जो सेलुलर इम्यूनिटी होता है उसमें WBC होते हैं, WBC सेलुलर इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी दोनों में वर्क करते हैं, दोनों के लिए होते हैं। इसके साथ साथ जो प्लाज्मा होता है या प्लेटलेट्स होते हैं ये भी कहीं ना कहीं वर्क करते हैं, लेकिन RBC का कोई रोल नहीं होता है। और जैसे कि मैं बताया था कि ह्यूमन इम्यूनिटी में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद हम जानेंगे एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में। तो एंटीजन मतलब कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस या पार्टिकल जो हमारी बॉडी में इंटर कर जाने के बाद हमारी इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, उसको हम एंटीजन बोलते हैं। तो कोई भी सब्सटेंस या पार्टिकल जो हमारी बॉडी में इंटर कर रहा है उसके इंटर कर जाने के बाद हमारी इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, इसको हम एंटीजन बोलते हैं। उसके बाद एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। ये जो एंटीबॉडी होती है ये एंटीजन से बाइंड करके एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देती है, और एंटीबॉडी का जो जॉब होता है वो जॉब होता है एंटीजन को बॉडी से बाहर निकालने का जॉब होता है एंटीबॉडी का। इसके बाद हम नेक्स्ट आएंगे इम्यूनाइजेशन पर। देखिए, ए सिस्टम फॉर प्रिपेयरिंग द बॉडी टू टैकल अ पर्टिकुलर डिजीज़। तो बॉडी को किसी स्पेशल डिजीज से फाइट करने के लिए रेडी करना होता है इम्यूनाइजेशन। तो इसमें एक है पैसिव इम्यूनाइजेशन, इसमें पैसिव नेचुरल इम्यूनाइजेशन एंड पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन। तो पैसिव इम्यूनाइजेशन जो है, जैसे कि हम जब हम बाहर से एंटीबॉडी को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, या आप कह सकते हैं बाहर से एंटीबॉडी को अडॉप्ट करते हैं, तो उसको पैसिव इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। इसमें आता है पहला पैसिव नेचुरल इम्यूनाइजेशन एंड पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन। जो पैसिव नेचुरल इम्यूनाइजेशन होता है ये ऐसा इम्यूनाइजेशन होता है जो हमको अपनी मदर से नेचुरली मिलता है, मदर मिल्क के ज़रिए से। और पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन होता है, जैसे कि इसका कोरोना के टाइम पर आप लोग सुन रहे होंगे कि जो कोरोना पॉजिटिव थे और जो ठीक हो गए थे उनके प्लाज्मा को कोरोना पॉजिटिव वालों को दिया जा रहा है। तो क्यों दिया जा रहा है, कि जो कोरोना पॉजिटिव थे वो ठीक हो गए थे तो उनके प्लाज्मा में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, उनके प्लाज्मा में एंटीबॉडी फॉर्मेशन हो जाता है, इसलिए उनके उस प्लाज्मा को दूसरे कोरोना पॉजिटिव के बॉडी में डाला जा रहा है ताकि उनकी बॉडी में भी एंटीबॉडीज आ जाए। तो इसको कहते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन, पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन। आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन मतलब कि किसी की बॉडी से प्लाज्मा को डालना, और पैसिव नेचुरल इम्यूनाइजेशन मतलब कि मदर मिल्क से बेबी में एंटीबॉडी का जाना। इसके बाद हम एक्टिव इम्यूनाइजेशन के बारे में बात करेंगे। इसमें है एक्टिव नेचुरल इम्यूनाइजेशन और एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन। तो कोरोना, जैसे मान लीजिए कोरोना पेशेंट है, इस पर कोरोना चल रहा है तो कोरोना पेशेंट है, अगर कोरोना पेशेंट के अंदर एंटीबॉडीज बन जाती है,
अगर कोरोना पेशेंट इम्यूनाइज हो जाता है या कोरोना पेशेंट अपने अंदर एंटीबॉडी को क्रिएट कर लेता है तो उस टाइम पे हम बोलेंगे एक्टिव नेचुरल इम्यूनाइजेशन, मतलब कि वो नेचुरली इम्यूनाइज हो गया। और मान लीजिए एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए किसी की बॉडी में हमने वैक्सीन डाला, वैक्सीन के थ्रू एक्टिव बॉडी को डाला, तो वो क्या हो गया एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन। हमने उसकी बॉडी में एंटीबॉडी को कैसे डाला, वैक्सीन के थ्रू डाला। तो ये वैक्सीन क्या करता है, हम लोग क्या करते हैं कि इसमें क्या किया जाता है, मान लीजिए कोरोना का मामला हम ले लेते हैं, तो इनएक्टिव कोरोना को बॉडी में डाल दिया जाता है जो बॉडी के अंदर नुकसान नहीं पहुंचाता है, बट उस कोरोना के लिए एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। तो जो कोरोना वैक्सीन होती है उसमें क्या होता है, इनएक्टिव कोरोना होता है, ये हमारे बॉडी के अंदर जाता है, हमारी बॉडी को नुकसान नहीं कराएगा, इन्फेक्ट नहीं करेगा क्योंकि इनएक्टिव है, बट हमारे बॉडी में उस कोरोना के लिए एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, तो इसको एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन हम बोलते हैं।